विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एग्जाम्पल है x प्लस वाई इक्वल्स टू और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स फोर बाई थ्री, ये दोनों गिवन है। तो हमें फाइंड आउट करना है x टू द पावर ऑफ 225 प्लस y टू द पावर ऑफ 225 का वैल्यू क्या होता है। इस दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जो x प्लस वाई इक्वल्स टू जो गिवन है वो नोट डाउन कर लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू टू, तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तब ये बनता है स्क्वेयर, यहाँ पर बनते है इसका स्क्वेयर। तो ये बन गया a प्लस बी कट होल स्क्वायर के जैसा। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ पर ये इक्वल्स x है और b क्या है y है, ठीक है। तब ये बनते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स वाई इज इक्वल्स टू टू स्क्वायर मीन्स फोर। ये इक्वेशन नंबर वन समझ लो। हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इक्वल्स फोर, क्वेश्चन नंबर वन। तो नेक्स्ट ये हो गया, अब ये ले लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर डिवाइड बाई थ्री। इस इक्वेशंस को दोनों तरफ क्या कर दो, ये थ्री निकालना है तो थ्री से मल्टीप्लीकेशन कर दो दोनों तरफ, तब ये थ्री थ्री निकल जाएगा, ओनली फोर यहाँ पर रिमेनिंग फोर रहेगा, लेकिन ये थ्री से दोनों को मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। थ्री इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री प्लस ऑफ थ्री इंटू वाई स्क्वायर मीन्स थ्री वाई स्क्वायर बनेगा। तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर, ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर, इक्वेशन नंबर टू, ठीक है, ये टू समझ लो। तो अभी ये दोनों इक्वेशंस कंपेयर कर दो, कंपेयर इक्वेशंस वन एंड टू। अगर दोनों इक्वेशन अगर कंपेयर किया, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स, यानी राइट हैंड साइड जो है फोर है, ये भी फोर है, तो दोनों सेम है राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तब क्या होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई इज इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री वाई स्क्वेयर, ठीक है, क्योंकि आर एच एस दोनों सेम है इसलिए एल एच एस दोनों इक्वल हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर पहले लिख लेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर, ये सब जो भी है वो साइड में लाओ, तो ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर बनेगा, ये भी नेगेटिव वाई स्क्वायर बनेगा, ये नेगेटिव टू एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो। थ्री एक्स स्क्वायर में यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो टू एक्स स्क्वायर रिमेनिंग रहेगा यहाँ पर, यहाँ पर थ्री वाई स्क्वायर है पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव वन वाई स्क्वायर है, तो पॉजिटिव टू वाई स्क्वायर यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा, नेक्स्ट माइनस टू एक्स वाई यहाँ पर रहेगा इक्वल जीरो। तो दोनों तरफ देखो, यहाँ पर भी टू है, यहाँ पर भी टू है, यहाँ पर भी टू है, तो हम यहाँ पर दो इस होल इक्वेशंस को टू से डिवाइड करेंगे, है ना, तो इसको भी करेंगे, तब क्या बनता है, ये दोनों कट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पर दोनों कट हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पर दोनों कट हो जाएगा माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल जीरो मिला। तो इस इक्वेशंस को हम यहाँ पर अगर एक्स प्लस वाई दोनों तरफ अगर मल्टीप्लीकेशन किया इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये जो है इधर एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लीकेशन कर दो, इधर जीरो है इसको भी मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस वाई कर दो, समझ में है, जो आया है इस इक्वेशंस को एक्स प्लस वाई से इसको भी मल्टीप्लीकेशन कर दो, राइट साइड भी एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लीकेशन कर दो, तब ये बनते हैं यहाँ पर पूरा एक्स क्यूब, यहाँ बन क्या बन रहे हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इक्वल्स क्या बनते हैं जीरो इंटू एनी थिंग नंबर जीरो ही रहता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर देखो ये क्यूब माइनस बी क्यूब का जो
आइडेंटिटी है ए माइ ए प्लस बी सॉरी ए प्लस बी इक्वल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी टाइम्स तो इधर लिखेंगे ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। तो इसके हिसाब से ये यहाँ पर ए इज एक्स है और बी इज वाई है, तो जहाँ भी ये इसलिए ये क्या बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह में हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। तभी ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल जीरो बन गया, तभी ये वाई क्यूब राइट साइड में लाओ तो ये एक्स क्यूब इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स वाई क्यूब बनता है। ये एक नोट डाउन कर लेंगे हम एक्स क्यूब इक्वल्स नेगेटिव टाइम्स वाई क्यूब। अभी सब हो गया ये, तो हमें क्या चाहिए, अभी ये दोनों से हमने यहाँ तक आ गया, तो हमें चाहिए x टू द पावर ऑफ 225 प्लस y टू द पावर ऑफ 225, इसका वैल्यू हमें चाहिए। तो नोट डाउन कर लो क्या चाहिए, x टू द पावर ऑफ 2025 प्लस ऑफ y टू द पावर ऑफ 2025 दिस इक्वल्स ओके। तो सबसे पहले हम x टू द पावर ऑफ 2025 उसका वैल्यू क्या होता है यहाँ पर देखेंगे 2025 x टू द पावर ऑफ दिस इक्वल्स x टू द पावर ऑफ 2025 को हम ब्रेक अगर 3 से अगर मल्टीप्लीकेशन से किया 3 6 18 2 3 7 21 रह गया 3 5 यानी 3 × 675 बनते हैं। तो अगर ये यहाँ पर पावर यूज़ किया a टू द पावर ऑफ m इंटू n जैसा है ये, तो a टू द पावर ऑफ m पावर यूज किया तो m ये रूल अगर यहाँ पर अप्लाई किया तो यहाँ पर ए इज एक्स रहते यम इज 3 और यन इज 675 ऐसा हम अगर कर लिया तो यहाँ बनते एक्स टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर ऑफ 675 दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 × 675 बनता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2025 बनता है ओके। लेकिन फ्रॉम इक्वेशन यहाँ से एक्स क्यूब इक्वल्स ये 3 है समझ लो इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन 3 एक्स क्यूब इक्वल्स वाई क्यूब है तो एक्स क्यूब की जगह हम नेगेटिव वाई क्यूब रख लो होल टू द पावर ऑफ 675 ऊपर का पावर एज वेल, एक्स क्यूब की जगह नेगेटिव वाई क्यूब लिया तो 675 एज वेल। अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो ये फॉर्म में है तो ये फॉर्म में लाओ इसको, तब ये बनते माइनस वाई टाइम्स 3 × 675 ठीक है, दिस इक्वल्स नेगेटिव टाइम्स वाई इंटू 3 × 675 मीन्स 2025 यानी एक्स टू द पावर 2025 इज इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स वाई टू द पावर 2025। यहाँ पर एक्स टू द पावर 225 का वैल्यू नेगेटिव वाई टू द पावर 2025 हम पुट करेंगे तो नेगेटिव वाई टू द पावर 2025 इसका एक्स का हो गया एक प्लस ये वाई का एज यूजुअल वाई टू द पावर ऑफ 2025 ठीक है, दिस इक्वल्स ये नेगेटिव वाई 2025 है ये पॉजिटिव वाई 2025 है तो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव है तो दोनों अगर कट हो गया तो यहाँ पर जीरो बनता है। देयरफॉर एक्स टू द पावर ऑफ 2025 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 2025 इज इक्वल्स टू जीरो यानी जीरो इज द करेक्ट आंसर फाइनल आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय नेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।